अच्छा जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी मिसाल जी। अच्छा, हमने जो है ना, बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन मेक दिस इम्प्लीमेंट FFT एफिशिएंट, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो कि 8.1 वो है, फूरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है जो हमने कई दफ़ा देखी है। सिग्नल आपका आ गया। अब ये के यहाँ पे रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है एन को, पहले जिसको हम एन कह रहे थे वो के यहाँ पे शो किया, और यहाँ पर एन इन्होंने इधर लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा नोटेशन है। बाकी ये उसी तरह से आ रहा है, जे 2π n k अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं बात, और ये अगली बात ये कहता है कि अगर हम जो है ये एन को 4 रख देते हैं, ठीक है, सपोज वी हैव अ सिग्नल दैट हैज ओनली 4 सैंपल्स, या फिर जो है 4 से कम सैंपल्स भी हों, तो हम 4 पॉइंट्स का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या बात बनेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो आपका एक्सपोनेंशियल है उसको डब्ल्यू अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर हम उसको डब्ल्यू अज्यूम करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ के अंदर, जब के को अगर हम 0 रखते हैं तो वी एक्सपेंड दिस समेशन टू वी गेट दिस थिंग। ये आपके पास जो समेशन है ये वाली, तो ये आपके, ये जो आपके पास जिसको हम लोग के कहते हैं ना, वो ये एन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने 0 रखा, जहाँ जहाँ पे आ रहा था एन उसको वो 0 हो गया, और के को 0 से n-1 तक आप इस समेशन को एक्सपेंड कर दें, और उसमें से आप एक्सपोनेंशियल को जो है वो डब्ल्यू कह रहे हैं, तो दिस इज वॉट वी गेट, एक्स ऑफ 0 फिर डब्ल्यू रेस टू द पावर 0 एंड सो ऑन। फिर आपने 1 रखा और ये समेशन को एक्सपेंड कर दिया आपने, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 रखा तो 0 डब्ल्यू रेस टू द पावर 3, 6 और 9, ये फॉर्म बन जाती है इसकी। दिस इज आवर फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म DFT। ये एक्स एक्स जो लिखा हुआ है बड़ा वाला, ये हमारा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। ये यहाँ से कहानी शुरू की हमने। अच्छा, इसको अगर हम मैट्रिक्स ही फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लाइक दिस, कि ये आपके डब्ल्यू जो है वो X0, X1, X0, 2, X0, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वी कैन राइट देम एज मैट्रिसेस। इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें क्या होता है कि ये इसके आप समझ लें कोफिशियंट्स बन गए हैं, और ये डब्ल्यू जो हैं, और एक्स आपके पास एक कॉलम वेक्टर है। जब आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास यही इक्वेशंस आ जाएंगी जो 8.3 में नजर आ रही हैं, तो नो बिग डील, हमने सिंपल मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में एज एन इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट इट इन दिस वे, कि हमारे पास डब्ल्यू एन के है वो एक एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके नतीजे में हमें कैपिटल एक्स ऑफ एन मिल रहा है, या डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इससे, अब इसको देखने से हमें ये पता चलता है कि अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें जो है वो एन इंटू n-1 कॉम्प्लेक्स एडिशन और एन स्क्वेयर लिखा हुआ है, ये n2 नहीं है, एन स्क्वेयर है, एन स्क्वेयर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी। तो दिस इज एक्चुअली द इशू इन कंप्यूटर, कंप्यूटर को मल्टीप्लाई हमने जब कराना होता है तो उसमें टाइम लगता है, और कंप्यूटिंग ऑपरेशंस उतने परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास 4 है तो सूरत में आपको 4 का स्क्वायर 16 जो है ना कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी, और तकरीबन जो है ना 4 4 16 या 4 3 12, 12 कॉम्प्लेक्स एडिशंस करनी पड़ेंगी, तब जाके डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होगा। तो इसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं, हम अपनी कैलकुलेशंस की तादाद को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग सम स्मार्ट जो है ना बीच में ट्रिक्स लगा दें। पहली बात तो यह जो है ये कहता है कि पुराने जो एल्गोरिदम्स होते थे ना उसमें एन रखते थे 2 की पावर में, तो अब वो रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गई, जो नए एल्गोरिदम डेवलप हो गए हैं उसमें, तो 2 रेस टू द पावर 2 से जो है ना हमारे बेहतर जो है रिजल्ट्स मिलते थे, यानी एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता था हमारा आगे। अच्छा, एनीवेज यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपका W0 था वो हमने उसको 1 के बराबर रख दिया। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे हो सकता है 1 के बराबर W रेस टू द पावर 0? किसी भी चीज की पावर 0 वैसे वो 1 होगा। हाँ, और जी, और W जो है ना वो आपका, अगर आप इसको लुक बैक करें, ये आपका W है, e^(-j2π)/N। तो जब यहाँ पे n आपने 0 कर दिया था तो ये 1 बन गया था, तो ये हमने पहली बात तो ये नोट कर ली इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात हमने ये नोट की इसमें, ये 1 2 3 है और ये 3 2 1 इस तरीके से हो गया, जबकि
अगर आप देखें ओरिजिनल हमारे पास यहाँ पर 3, 6 और 9 आ रहा था, ये इसकी कैसे कहानी समझ में आती है, कैसे हो गया ये ऐसे इस तरह से चेंज हुआ है कि ये आपके पास है ना 0, 0, 0 जहां जहां था उसको सबको हमने 1 बना दिया। दूसरा ये 3, 6 और 9 यहाँ पे आ रहा था ओरिजिनली, 2, 4, 6 आ रहा था और ये बन गया 3, 0, 2 और उसकी पावर में 3, 2 और 1 आ रहा है। तो ये इस तरीके से आता है, लेट्स सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी उसी का खेल है कि आपके जो है ना ये जो आर्ग्यूमेंट है वो रिपीट होते हैं। अब देखें डब्ल्यू रेस टू द पावर 6 हमारे पास होता है, तो दैट इज एक्चुअली वी हैव इन द पावर ई की पावर में 2 -4/6 है, विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -j3π, ठीक है। और जो 3π होता है वो क्या, किसके एंगल किसके बराबर होता है, 3π रेडियंस में टू कितने पाई जो डिग्रीज के बराबर होता है? पाई रेडियन जो है 180 डिग्री होता है, और 2 पाई रेडियन जो है वो 360, और वो 180 डिग्री 3 पाई। हाँ, तो यानी कि अभी कम 3π एंगल्स का मतलब है कि हमने जो है ना 1.5 रोटेशन कंप्लीट की है अबाउट दी, यानी आप घूम के एक्स एक्सिस से उधर तक गए 1.5 दफा, तो 3π इज एक्चुअली 180 डिग्रीज। तो जब 3π 180 डिग्री है तो हमें क्या जरूरत है कि 3π लिखने का, तो W6 इज द सेम एस W2। W6 जो है वो वही चीज है कि जो W2 है। तो ये अब आपके पास देखे ना ये ई रेस टू द पावर J π के बराबर है, ये -j3π जो है दैट इज इक्वल टू -j π एक्चुअली, और विच इज अगर आप उसको इस फॉर्म में लिखते हैं -j2π/4 × 2, तो ये W² के बराबर है। तो W6 इज एक्चुअली इक्वल टू W² इसी तरीके से आपने बाकी सबको कन्वर्ट कर दिया, तो आपका जो था वो डब्ल्यू रेस टू द पावर 3 था वो तो एज इट इज रहा, लेकिन डब्ल्यू रेस टू द पावर 6 या डब्ल्यू रेस टू द पावर 2 हो गया, और जो डब्ल्यू रेस टू द पावर 9 था वो डब्ल्यू रेस टू द पावर 1 बन गया। तो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट W9 एंड W6 एंड W4, हमें बस W1, 2 और 3 कैलकुलेट करना है, तो उसकी से भी हम गुजारा चला सकते हैं ये निकालने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये एक चीज बीच में हमने लगाई। अच्छा, उसके बाद अगला काम हमने क्या किया कि ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है, इफ यू स्प्लिट इट इनटू टू मैट्रिसेस लाइक दिस, तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा इसका। इसमें आपके पास वंस एंड जीरोज आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास जो है वो मतलब ये कि 1, 2, 3 इस तरीके से बन रहा है और ये इस तरीके से बन रही है, ये भी फाइंड आउट की, डिस्कवर की, ठीक है। इसको करने से हमारे पास क्या होगा कि ये वाली यही सेम रिजल्ट मिलेगा इसका। ये काम कर लिया हमने। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें एक नोट करने वाली बात जरा मुझे बताएं, एरो पे तो मैं बाद में आता हूँ, आप मुझे ये बताएं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो ये कि हमने इस मैट्रिक्स को स्प्लिट कर दिया 2 मैट्रिसेस में, ठीक है, ये फैक्टराइज कर दिया आप समझ लें, तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट दिस मैट्रिक्स बैक। तो और इसमें क्या चीज डिफरेंट नजर आ रही है, जरा गौर से देखें इसको, 8.6 और 8.9 को। जी मैम भाई, हाँ, दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं। नहीं देखें ये जो मैट्रिक्स है ये इन दोनों में बराबर डायरेक्टली इसके हो नहीं सकती, पहली बात तो ये, ठीक है। इसको बराबर जब हम करते हैं ना तो उसमें एक चेंज भी, एक आप समझ लें कि मैनिपुलेशन लगती है। यहाँ पे देखें 1 और 2 जो है ना इंटरचेंज हुए हैं, फिर जाके हम इस मैट्रिक्स को, यानी हमने इस मैट्रिक्स में इसकी ये जो रो है इस रो को इधर ले गए, उस वाली रो को सेकेंड रो को थर्ड पे ले आए और थर्ड रो को सेकेंड पे ले आए, फिर जाके हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से। ये काम करने के बाद हुआ, ये भी देखें ना कि किसी ना किसी रिसर्चर ने इसको ढूंढा होगा, डिस्कवर किया होगा इसको, ठीक है। एक तो ये हमने इंटरचेंज कर लिए इन दो दो सैंपल्स को DFT के, फिर जाके हमने इन पार्ट्स में किया है जहाँ पे ये हमारे पास जीरोज आ गए सारे और 1 आ गए, इस तरीके से इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। ये एक चेंज बीच में की। दूसरी बात हमने ये किया कि हम इसको एक X⁻N कह रहे हैं, X⁻N ये इस तरतीब से जो अरेंज है उसको हम X⁻ कह रहे हैं। इट्स नॉट दी ओरिजिनल फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअल, जब हम आखिरी स्टेप में फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे
बाय दिस मेथड, तो उसमें हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा दो सैंपल्स को, तब जाके हमें एक्चुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का मिलेगा। अब एक चीज़ ये है कि पहले आप करते हैं हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कि जो पहली मैट्रिक्स थी अंदर वाली, वो ओरिजिनल सैंपल्स के साथ मल्टीप्लाई करा दी, तो उससे हमारे पास X1 ऑफ 0 आ गया, ठीक है, वो सारे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी डू इज दैट वी मल्टीप्लाई ये सारे, वो उसने स्टेप बाय स्टेप, हर टर्म बाय टर्म बताया हुआ है इसको। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये एक्चुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने निकालना है, एक्स जिसको हम एक्स बार कह रहे थे, वो X2 हम उसको कह रहे हैं, वो हमने निकाला दूसरी मैट्रिक्स से पिछले वाले के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं, इन जीरोस की वजह से और कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो गई, यानी आपने व्हाट वी हैव टू डू इज दैट X2 ऑफ 0 अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो आपका इस से निकल आएगा कि आप X10 + W0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों जो है ये टर्म्स खत्म हो जाएंगी, इसको आप X1 को 1 के साथ और X1 of 3 को W1 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ एडिशंस एंड मल्टीप्लीकेशंस अच्छा खासा रिड्यूस हो गया इसमें, इन दो काम करने की वजह से, ठीक है। तो ये जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वी हैव दीज मैट्रिक्स, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा इसमें कि जो हम पहले N² कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे और N·N−1 कॉम्प्लेक्स एडिशंस कर रहे थे, बट वी डोंट नीड टू डू इट नाउ, हमें बल्कि जो है 2N/γ, गैमा कहाँ था, 2 की पावर में जो आ रहा था, जैसे हमारे पास 4 पॉइंट का जो है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म था, तो वो अब बनता है 2^2, तो गैमा उस केस में 2 हो जाएगा, तो 2 हम वहां से निकाल सकते हैं। तो हम इस एन नंबर ऑफ इस केस में एन नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशंस के जरिए से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो फायदा इसका क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट कैलकुल फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज किया, तो उस सूरत में ये सारी कैलकुलेशन जो है वो इस विद इंक्रीज इन एन एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, जबकि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इसमें, विच ए ड्रास्टिक डिफरेंस। मतलब ये कि ये थोड़ा सा फर्क पड़ने से मुराद ये है कि थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कैलकुलेशंस इंक्रीज होती जा रही है विद द एन, और दूसरी सूरत में आपके पास जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, तो वी हैव अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डायरेक्ट कैलकुलेशन एज वेन कंपेयर्ड विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम, FFT एल्गोरिदम। तो यानी कि हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन दैट केस वी ओनली यूज दीज W मैट्रिसेस जो है वो हम मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं। कैसे करते हैं ये चीज़ जो है ना, हमने उसमें इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आखिरी स्टेप जो है ना वो एक आप नोट कर लें कि हमने जब चीज जो चीज़ निकाली थी वो थी आपका X-bar, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू दी एक्चुअल फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म XN, तो हम वो किस तरह से करते हैं, वी हैव टू इंटरचेंज बैक X1 और X2 को जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, करना होता है, कर सकते नहीं करना होता है आखिरी स्टेप में जाके, तब हमें जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलता है जो रिक्वायर्ड है। तो अगर एक क्विक जो है ना इसका वो लें हम, बाकी इसने ये बताया है कि बाकी इसने बताया बाइनरी के अंदर जो है ना फ्लिप करना, अब ये फ्लिपिंग हमारे पास ना इस सूरत में तो आसान नजर आ रही है, लेकिन जब हमारे पास 1024 या ज्यादा यह है 2 MB के बराबर साइज, आप सब कितना बनेगा 1024 × 1024, तो उतने अगर आपके पास हो ना सैंपल्स, फिर ये जो फ्लिपिंग है ना ये सिंपल नहीं रहती। अब ये इस चीज़ की हम नेक्स्ट क्लास में एक तो बात करेंगे और दूसरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आपको एक क्विक जो है ना रिकैप देता हूँ कि हमने किया ये है, 1 मिनट, हमने काम ये किया है टोटल कि हमने एक चीज़ डिस्कवर की कि हमारे जो ये एक्सपोनेंशियल्स होते हैं ये एक्चुअली जो है रिपीट हो रहे होते हैं, ये सेम चीज़ होती है, बस वो ऐसे ही हमें नज़र आ रहा था, एक्चुअली दे आर इक्वल टू W, जैसे W6 2 के बराबर है और 9 जो था वो आपका 3 के बराबर था, एक ये चीज़ हमने नोट की। दूसरा फिर जो है ना इंटरचेंज करने के बाद दो पर्टिकुलर सैंपल्स को हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह कन्वर्जन से हमारी जो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है उनकी तादाद एक्सट्रीमली कम हो जाती है। या पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दें, तो वो दैट विल बी
फार लेस। अब वो अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यू कैन सी दैट वर्किंग करके, अगर आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है इन्होंने सारा। दो बातें ये हमें पता चली, और तीसरी बात ये कि आखिर में जाके हम इसको दो सैंपल्स को फ्लिप करते हैं, तो इस सारे करने की वजह से हमारे पास जो तादाद है इसकी, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इन केस ऑफ FFT। तो इस चीज़ का एडवांटेज उठाने की वजह से जो है वो आपकी नंबर ऑफ जो आपका FFT का एल्गोरिदम है, दैट बिकम्स वेरी एफिशिएंट। एंड इवन मतलब ये कि जो जो भी हमारे जहाँ भी इसकी एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन है वो पॉसिबल हुई इसी की वजह से। तो वो हम वैसे डायरेक्ट अगर ना हो सकता होता ये इसमें रिड्यूस द नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ही ना होती। तो दैट वाज वन थिंग। बाकी इन द नेक्स्ट क्लास हम ये देखेंगे कि इसको जो है हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ कोड। दूसरा जो फ्लिपिंग वाला मसला है वो हम देखेंगे। अच्छा एक और बात ये थी, आपका जो सवाल क्या था फ्रीक्वेंसीज के हवाले से, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें होती हैं, आपका आप याद रिकॉल करें का सवाल क्या था आपका लास्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी के हवाले से, फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा। मुझे अब तो याद भी नहीं रहा कि क्या सवाल था। मेरे ख्याल में सवाल ये आपका था ये कि था, आपका सवाल ये था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो है वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पर ये पाई के अंदर कैसे चला गया, मतलब ये सवाल था बेसिकली ना आपका। तो उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा, देखें पहली बात ये है कि ना आपका जो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लेते हैं ई रेस टू द पावर जे ओमेगा कर लेते हैं, तो वो आपका जो है उसमें हमने एक दो चीज़ें नोट की थी कि इसका जो कॉन्जुगेट लेते हैं ना जब हम, तो वो ओमेगा को जब हम नेगेटिव करते हैं दैट एक्चुअली बिकम्स द कॉन्जुगेट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मतलब इसका मुख्तसर ये बनता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है ना जो भी इसमें मौजूद, वो जीरो से हाफ ऑफ द रेंज के अंदर मौजूद होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप माइनस पाई रेडियन से पाई तक लेके जा रहे हैं, तो जो कुछ माइनस पाई से जीरो तक होगा वही आपको रिपीट होके मिलेगा जीरो से पाई तक। तो डिफरेंट यानी कि अगर होगा ना तो वो आधी रेंज के ऊपर होगा जीरो से पाई तक, बाकी जो बाकी फ्रीक्वेंसी का पोर्शन है उसके ऊपर वही चीज़ का मिरर इमेज बन रहा होगा। एक तो ये बात है इसकी। अच्छा दूसरी बात ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, वी कैन नॉट हैव इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी बट रादर वी विल हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और वो भी हाफ होनी चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के, अदरवाइज एलियासिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी आपकी क्या हुई FS डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके उसमें मौजूद है एनालॉग सिग्नल में, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में। तो जब आप इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं, आप उसको जब सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करते हैं, तो उस सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं वो हो जाती है डिजिटल फ्रीक्वेंसी। और डिजिटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, एफ डिवाइडेड बाय FS सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई हाफ ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, उसको आप FS से डिवाइड कर देंगे तो पीछे डिजिटल फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी जी इमरान भाई। दोबारा बोलना, तुमने बोला कि जो तुम्हारी क्लास को जो ना डिजिटल नहीं, मैं फ्रिक्वेंसी जो क्लास है मिस वो कर देता हूँ आपका भी टाइम ज्यादा अभी वो, क्योंकि आपने शॉर्ट क्लास का कहा था मैं आपको ना, लेकिन ये बोर्ड उस पर लिख दूँ ना पेंट में ताकि लिखा हुआ समझ आएगा आराम से। 1 मिनट 1 मिनट, मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो है ना, आपके पास एक कोई सिग्नल था उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ थी, आपने उसको जो है FS के साथ सैंपल किया। एफ आप कोई भी ले लें, सपोज 100 हर्ट्स, ठीक है। आपने उसको जो है कम से कम 200 हर्ट्स पे सैंपल करना होगा, तब जाके एलियाजिंग से बचेंगे आप। अच्छा अब आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये 100 हर्ट्स हो गई। अब मैं इसको जब सैंपल करके डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिस्क्रीट टाइम में यहाँ पे मैं ले गया, ठीक है, इस तरीके से इसकी हाईएस्ट डिजिटल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। डिजिटल फ्रीक्वेंसी आती है एफ अपॉन FS के जरिए से। अभी आपके पास जो है मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखी है, मैं मिसाल में दे रहा था कि FS/2 मैंने रखी थी, तो मैं यहाँ पर जब इसको लेके जाऊंगा FS/2 डिवाइडेड बाई FS,
तो ये मेरे पास आ जाएगी 0.5 साइकल्स पर सैंपल, ठीक है, क्योंकि डिजिटल फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है साइकल्स पर सैंपल, तो मेरे पास 0.5 आ गई, ठीक है। अब मैं इसको रेडियंस में अगर कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज 5, अभी हो गया रेडियंस पर सैंपल। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगी पाई रेडियंस पर सैंपल। तो जो भी आपके पास, यानी सवाल का जवाब ये है कि जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना एनालॉग सिग्नल की, वो यहाँ पर जब पहुंचेगी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब आप उसका ले लेंगे तो वो पाई बन जाएगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकते। तो आपका जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर आप समझ लें कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी अगर आप ले लेते हैं, उसके अंदर भी आप उसको जब प्लॉट करेंगे तो वो पाए तक जाएगा, और माइनस पाए से पाए तक जाएगा, माइनस पाए से 0 तक का जो पोर्शन है दैट इज मिरर इमेज ऑफ दिस थिंग, जहाँ जो चीज़ मिल रही है वही यहाँ पे मिल रही है बिकॉज ऑफ दी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके अंदर आप जब ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा करते हैं, इसकी वजह से ना यहाँ पर ये मिरर इमेज बन जाता है। इसकी हमने बात भी एक दफ़ा की थी जब वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कि एक्स ऑफ, या अदर वर्ड्स आप समझ लें कि एक्स ऑफ माइनस ओमेगा इज एक्चुअली दी कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। तो जो कुछ यहाँ पर आपके पास होगा इस एरिया में, वही इसका मिरर इमेज इधर मिलेगा, और यहाँ जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो 0 से पाए के दरमियान में होती है, तो वही सारी सिग्नल की फ्री इन्फॉर्मेशन मौजूद है यहाँ पे, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो मिरर इमेज बन जाते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हर्ट्स अप टू दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एफ मैक्स कह लें, इस केस में मैंने 100 रखी थी, वो सारी की सारी इधर आ जाती है 0 से लेके पाए रेडियंस पर सैंपल के अंदर। तो अब ये आपका जो है क्या कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से हो गया। लेकिन हम लोग जो डिस्प्ले करा रहे थे ना, जब मैंने दोनों प्लॉट्स बनवाए थे पिछली क्लास में और इस वाली क्लास में भी, उसमें हमारे पास यहाँ पर ये पाए नहीं था, बल्कि हमारे पास हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी थी। उसकी कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज दिस के एफ एस अपॉन एन, के आपका जो है एक्स ऑफ के का फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ के होता है, वो के वो वाली चीज़ हो गई, एन जो है टोटल नंबर ऑफ आप समझ लें बिन्स जो आपने बनाई है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म की, या जितने एन पॉइंट का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बना रहे थे, एन वो चीज़ हो गई, देन वी मल्टीप्लाई बाय एफ एस दैट गिव्स अस दी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि जी यहाँ पर जो मेरी ये इतनी डिजिटल फ्रीक्वेंसी बन रही है इसकी एक्चुअल हर्ट्स में वैल्यू क्या है, वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर इट, इससे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई ओके होप सही। ये जी, तो आपके यानी पॉइंट इज दैट कि आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, इट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, वी नॉर्मलाइज इट बाय दी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, देन वी गेट द डिजिटल फ्रीक्वेंसी, डिजिटल फ्रीक्वेंसी हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेडियंस पर सैंपल की फॉर्म में आ जाएगी, दैट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मैप्ड बिटवीन 0 एंड पाई रेडियंस, इससे आगे वो जा नहीं सकती, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन कन्वर्ट इट बैक इन टू दी हर्ट्स फ्रीक्वेंसी बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि अगर हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो जितने भी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के ग्राफ्स होते हैं उसमें वो एक्स एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में डिस्प्ले कराते हैं बाई यूजिंग दिस थिंग। तो एक्चुअल में वो डिजिटल फ्रीक्वेंसी होती है रेडियंस पर सैंपल में। तो मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना इसकी इंप्लीमेंटेशन का जो एल्गोरिदम है वो देखेंगे, और थोड़ा सा गहराई में जाके देखेंगे मजीद इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म को। तो हम आज की क्लास यहाँ पे एंड कर देते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप पूछ लें। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इंशाल्लाह रमजान तुम्हारे सही चला है। जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है। बस मैं इसमें थोड़ा सा ये मेरे लिए बेहतर होगा कि अगर हम सुबह का टाइम रख लें सैटरडे या संडे को, क्या कहते हैं सुबह आप? का तुम्हारी तुम्हारी सुबह का जी, हमारी सुबह जो है, क्योंकि शाम को वो तरावियां होती है ना, तो उसमें टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, फिर वो दूसरे दिन रात काफी हो जाएगी, फिर उसमें भी टाइम लगता है, क्या कहते हैं आप? मेरी भी फिर वो रात होती है ना, या तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ना चले चले कि ठीक है, आप आपके मुझे बता मे बी दीजिए। वी कैन नो मे बी वी कैन डिवाइड के जो है ना वो आपके तुम किस टाइम जो वो सुबह जॉब पे जाते हो सुबह अभी नॉर्मल डे में। जो रमजान जब से स्टार्ट हुए, मैं चले रिकॉर्डिंग इधर बंद कर देता हूँ वहां पे सब रिकॉर्ड।